दोस्तों, क्या आप भी अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। उसी के साथ अगर आपका कोई डेकोरेशन का काम है और आपको एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसके ऊपर आप 50, 60, 70, 80 पट्टे आराम से चला सकें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ये कंट्रोलर आपको कहाँ से लेना है वो सब भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और इसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर 2। और ये जो साइड में रखा हुआ है, ये वाला, ये है मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर 1। ये कंट्रोलर दोनों सेम है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में एक खास बात है, वो खास बात इसके अंदर क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गाइस, इसकी तो हमने पूरी वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आई बटन में लिंक शो हुआ होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसकी वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये कंट्रोलर है और हमारे कस्टमर के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको खरीदा गया था। जिन भी कस्टमर ने इसको बाय किया था, उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ करने के लिए बोला था, इसके ऊपर जो है ना, आप लगभग 50 पट्टे चला सकते हो। उन्होंने बस एक ही बात बोला था कि सर, अगर ऐसा होता कि हम 50 से ज्यादा, यानी कि 60 पट्टे, 70 पट्टे या फिर 80 झालर इसके ऊपर चला पाते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। तो हमने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए बना दिया है मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर 2। तो गाइज, ये है वो कंट्रोलर जिसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो अभी आप देख रहे हो, ये है स्पीड का बटन, जिससे कि आपका जो डिज़ाइन होगा, इफेक्ट जो चलेगा, उसकी स्पीड जो है वो तेज या कम होगी, यानी कि घटती और बढ़ती में रहेगी। और यहाँ पर ये है कलर सिलेक्शन, यहाँ से आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी कलर के ऊपर इफेक्ट चलेगा। गाइज, ऐसा नहीं है कि वो एक कलर आप सेलेक्ट करोगे वो बस ऐसे ही रहेगा, नहीं नहीं उसके ऊपर इफेक्ट भी चलेगा। और यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर एक रेड कलर का इंडिकेटर जो एलईडी है वो भी दिया है, जिससे कि आपको पता लगे कि इसके अंदर करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसी की साइड में गाइज, यहाँ पर ये है सिलेक्शन बटन। अगर आप एक झालर में 50 एलईडी यूज कर रहे हो तो इसको ऐसे ही रहने दें, अगर आप एक झालर के अंदर 100 एलईडी यूज कर रहे हो तो इसको ऊपर कर दें, अगर आप एक झालर में 150 एलईडी यूज कर रहे हो तो आप भाई इसको आप नीचे कर दें, ठीक है। ये तो रही बेसिक बात, यानी कि जो पहले वाले के अंदर भी सब कुछ सेम ही था, लेकिन जो मेन बात है वो है पीछे से शुरू होती है, ठीक है। इसके अंदर देखो हमें कितने सारे वायर दिए गए हैं। अब कई कस्टमर ने इसको ले भी लिया है, बाय भी कर लिया है, लेकिन उनको यार ये नहीं पता कि हमें कनेक्शन कहाँ करना है, और कईयों ने इसको बेकार भी कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब बताने भी वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये जो इसके अंदर तीन एक्स्ट्रा में वायर दिए गए हैं, ये बेसिकली करंट के वायर नहीं है गाइस, ये हैं डाटा के वायर। इनमें आपको कोई भी पावर सप्लाई से करंट नहीं देना है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, इसमें आपको कोई भी पावर सप्लाई से करंट नहीं देना है। ये जो देख रहे हो ना, एक तो यहाँ पर रेड वायर है, देखो ये रहा, और एक है वाइट वायर। इन दोनों को आप जो है 5 वोल्ट कितने भी एम्पियर से कनेक्ट कर सकते हो, 5 वोल्ट, 70 एम्पियर, 100 एम्पियर, 80 एम्पियर, जो भी आप देना चाहो, ठीक है गाइज, 5 वोल्ट ही होना चाहिए आपका पावर सप्लाई। तो ये है हमारे पावर के वायर, एक तो ये रेड वाला जो कि यहाँ देखो मेल सॉकेट लगा हुआ है ना, ये रेड वाला और ये वाइट वाला, ये दोनों जो है पावर के हैं, और इसके अंदर ये भी डाटा है। एक डाटा के ऊपर आप 20 पट्टे चला सकते हो, दूसरे के ऊपर 20, तीसरे के ऊपर 20 और चार के ऊपर 20, तो 2 × 8 यानी कि 2 × 4 = 8, तो कितने पट्टे हो गए टोटल गाइस, 80 पट्टे। तो ये है इस कंट्रोलर की पावर, इस कंट्रोलर के ऊपर आप पूरे 80 पट्टे चला सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं फिलहाल अपनी छत के ऊपर, और मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूं कि आपको जो वायर है वो कैसे कनेक्ट करने हैं और कैसे आपको पावर सप्लाई में इसके जो वायर हैं कौन से वाले कनेक्ट करने हैं, ठीक है गाइस। तो फाइनली गाइस, अभी हम क्या है सेटअप तैयार कर चुके हैं, और यहां पर रखा है हमारा मैनुअल कंट्रोलर 2, और ये आप देख रहे हो, ये मैंने पूरे कनेक्शन कर लिए हैं। लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ झालर। तो देखो यहाँ पे मैंने झालर टांगी हुई है पूरी 20, क्योंकि मैंने आपको बताया एक वायर के ऊपर आप 20 झालर लगा सकते हो। तो देखो पूरी 20 झालर टांगी हुई है, और उनको जो है इस वाले वायर से, देखो रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है, जो कि झालर को पॉजिटिविटी पहुँचा रहा है, और जो नेगेटिव है यानी कि जो ब्लू है वो नेगेटिव वायर है, जो कि झालर को नेगेटिव दे रहा है, यानी कि ठीक है झालर के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ता है अलग से। तो बाकी ये ग्रीन वाला वायर जो है, देखो मैंने एक ग्रीन वाला वायर पूरा बिछाया हुआ है, और इसके बीच में से यहाँ से कट लिया हुआ है, जो कि सीधा कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, हमारे कंट्रोलर के डाटा वायर के साथ में। तो देखो तीन वायर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और डाटा, और यहाँ पे हमने एक मेल सॉकेट लगाया हुआ है, और फीमेल सॉकेट जो होता है झालर का वो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है गाइस।
कनेक्शन आपको समझ में आ गए। हमारा ये कंट्रोलर है, इसके अंदर एक आपको मेल सॉकेट मिलेगा बिल्कुल इसके जैसा। और गाइस जो फीमेल सॉकेट के अंदर रेड वाला वायर है, जो ये रेड वाला वायर है और जो व्हाइट वाला वायर है, वो मैंने पावर सप्लाई के रेड वाला पॉजिटिव में और जो व्हाइट वाला है वो नेगेटिव में लगा दिया है। ये दोनों क्या करेंगे वायर, ये हमारे कंट्रोलर को पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई है उससे करंट पहुंचाएंगे। ठीक है, यहां देखो एक रेड कलर का जो इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल चालू है। उसी के साथ जो ये ग्रीन कलर का वायर है, यहां से देखो मैंने ये जो वायर है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है अपनी सारी पिक्सल्स को। तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है और हमारी जो एलईडीज हैं वो भी ग्लो हो रही हैं। देखो अब इनके ऊपर पूरे इफेक्ट चल रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी देखो यहाँ पे एक वायर ये रहा, इसके ऊपर आपने 20 झालर टांग दी हैं। दूसरा वायर ये है ब्लैक वाला, अगर आपके पास पूरा 80 झालर का सेटअप है तो 20 पे ये, 20 पे ये, 20 पे ये और 20 पे ये, टोटल 80 झालर आपके चलने वाली हैं। तो ठीक है गाइस, अभी क्या करते हैं आपको मैं फिलहाल इफेक्ट दिखा देता हूँ। तो अभी गाइस हमने इसको ऑन कर लिया है और देखो ऊपर की 3 लाइटें जो है ग्लो हो गई हैं, इसका मतलब ये मल्टी कलर में है। ठीक है, तो देखो मल्टी कलर का वाले जितने फंक्शन है ना इसके अंदर, उन सब के ऊपर इफेक्ट चलेगा यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब इफेक्ट यहाँ पे चालू हो चुके हैं। तो चलिए अभी आप इफेक्ट एंजॉय कर लीजिए। उनको इस तरीके से यहाँ से हटा देना होगा। तो ये देखिए, मतलब लाइन काटनी होगी। देखो अब लाइन जब हम दोबारा डालेंगे काटने के बाद, तो देखो अभी कलर आ गया होगा, कोई सा भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, येलो या फिर पिंक। तो पिंक के ऊपर हम इफेक्ट चलवाते हैं। तो देखो अभी सारे इफेक्ट जितने भी चलेंगे ना वो पिंक के ऊपर चलेंगे। और देखो फिर से मैं इफेक्ट की स्पीड अब काफ़ी तेज़ कर रहा हूँ और अभी मैं वापस से इस इफेक्ट की स्पीड मंदी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके थोड़ा स्लो हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये जो कंट्रोलर है ये लाइव वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये डाटा का वायर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो। ठीक है, मतलब ये डाटा का वायर यहाँ से। अब आप बोलेंगे जो डाटा के वायर दूसरे हैं, देखो ये वाले, ये तीन डाटा के वायर ये वर्किंग में है या फिर नहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से ये डाटा वायर हटा दिया है। ठीक है गाइस, अब देखो मैं इनको जोड़ जोड़ के दिखाता हूँ। तो देखो अभी चल रहे होंगे, बिल्कुल पक्की बात है भाई। देखो अभी चल चुके हैं और देखो यहाँ पे कोई सा भी आप लगा लो सेम ही चलेंगे सारों के अंदर, ऐसा नहीं है किसी के अंदर डिफरेंट। देखो अगर मैंने पिंक सेलेक्ट किया था तो सारे इफेक्ट जो है पिंक के ही चल रहे हैं और पिंक के ही चलेंगे अभी। ठीक है, तो चलो अब ये मैंने आपको दिखा दिया है, हर एक वायर के ऊपर आप 20 पट्टे जोड़ सकते हो। तो अभी क्या है, कलर दूसरा बदलते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, लाइन काटेंगे कंट्रोलर की और वापस से लाइन डालेंगे। तो देखो ये, देखो
स्काई ब्लू, और यहाँ पे देखो अलग कलर, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये येलो हो गया। तो इस पे करते हैं, थोड़ा हल्का ग्रीन है ये, थोड़ा येलो टाइप में है, तो अभी करके देखते हैं। तो देखिए गाइस जितने भी इफेक्ट चल रहे हैं ना, वो सब इस तरीके से चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इफेक्ट की जो स्पीड है मैंने बढ़ा दी है, अभी मैं घटा देता हूँ थोड़ी सी। तो बाकी गाइस देख लिया आपने, कंट्रोलर जो है वाकई में ही ख़तरनाक है, और मेरे हिसाब से आपको ये बाय करना चाहिए। तो चलिए अभी आप थोड़े से और इफेक्ट इन्जॉय कर लीजिए, वो भी अलग कलर में। तो दोस्तों है ना सच में कमाल का कंट्रोलर। एक तो भाई कितनी भी चौड़ाई हो, अब आपकी 80 पट्टे टांग लेना, उसी के साथ कितनी ही ऊंचाई हो बिल्डिंग की, 150 एलईडी तक नीचे तक टांग लेना, मज़ा ही आ जाएगा, इफेक्ट आपको लाजवाब मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को ये कंट्रोलर कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, वहाँ से जाके खरीद सकते हो।